अच्छा, तो छत्तीसगढ़ में हो रही बेमौसम बारिश ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था की भी पोल खुल कर रखती है। बता दें कि मुंगेली जिले में अब तक तकरीबन 27 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई है, जिसमें से करीब 10 लाख क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी केंद्र पर रखा है। अब मौसम बदलने से समिति में रखा धान बारिश से भीग रहा है, क्योंकि विभागीय उदासीनता की वजह से धान का परिवहन वक्त रहते नहीं किया गया, जिसकी वजह से करीब 1,10,000 क्विंटल बर्बाद होने की आशंका है, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सवाल यह है कि इतने बड़े नुकसान की भरपाई कैसे होगी और ये किसकी जिम्मेदारी है? बिक नहीं रहा है, बढ़ावे तो हमारी कर्जा सभी हो गया साहब, नहीं बेचावे थे साहब, वो तो पानी के मारे ये होती, वो पर बढ़ावे साहब तो काम के हमारे घंटे के अंदर अभी तक उठाव नहीं किया गया है। अभी तक 49,251.20 क्विंटल खरीदी किया जा चुका है, जिसमें मिलर सा को 11,370 क्विंटल जारी किया गया है और संग्रहण केंद्र को 15,708 क्विंटल जारी किया गया है। अभी भी 22,173 क्विंटल जाम है और परिवहन नहीं होने के कारण बेमौसम बारिश के चलते बहुत आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ सकता है। अधिक जानकारी के लिए रोहित कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, किसान भी लगातार परेशान हैं, कभी बारदाने को लेकर परेशान होते हैं, कभी धान नहीं मिलता, कभी धान उनका बिकता नहीं है, अभी नई परेशानी बेमौसम बारिश हुई है, तो एक और परेशानी, आखिर ये यहाँ पर इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं लोगों के लिए, जो लगातार इन्हें कुछ ना कुछ परेशानी आती ही रहती है? देखिए, शासन ने धान खरीदने के लिए 2.5 माह की समय निर्धारित की थी, जिसमें से 1 माह से अधिक समय तो धान की खरीदी नहीं हो पाई मुंगेली जिले में। कभी बारिश की वजह से तो कभी बारदाना नहीं होने की वजह से धान खरीदी पूरी तरीके से प्रभावित रही है। इसके बावजूद सबसे बड़ी लापरवाही ये देखने को मिली है कि धान खरीदी केंद्रों में जबकि पर्याप्त बजट भी, पर्याप्त पैसा भी दिया जाता है संबंधित केंद्रों को, इसके बावजूद न तो ढकने के लिए तिरपाल की व्यवस्था की गई थी और न ही किसी वैकल्पिक व्यवस्था की, जिसके चलते लाखों क्विंटल धान जिले में नुकसान हो गया बारिश में भीग कर, और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी अभी तक विभाग के अधिकारियों के पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है। और जबकि प्रशासन हालांकि अभी भी 0% शॉर्टेज लाने की दावा जरूर कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब इस तरीके से बड़े पैमाने पर नुकसान देखने को मिल रही है तो फिर कैसे 0% शॉर्टेज लाया जाएगा? इतने बड़े पैमाने पर जो नुकसान हो रहा है, आखिर भरपाई कौन करेगा इसकी? हम देखें, किसान को ही आखिरी में परेशान होना पड़ता है। और बीजेपी अध्यक्ष शैलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शैलेश जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आवाज फंस नहीं आ रही है। जी, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ। धान खरीदी हम देखें, केंद्रों पर पानी भरा हुआ है, किसान परेशान हो रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और आखिर व्यवस्थाएं और जो चीजें हैं किसानों को मुहैया क्यों नहीं कराई जाती? लगातार किसान क्यों परेशान होते हैं? लगातार किसान परेशान है, जबकि हम लगातार इस संबंध में कलेक्टर को सूचित कर रहे हैं। अभी परसों ही किसान मोर्चा तरफ से एक ज्ञापन भी दिया गया है और धान खरीदी के लिए बढ़ाने के लिए भी पूरा 29 तक करने के बोले थे, 5 दिन ही बढ़ाए हैं, 5 दिन में खरीदी हो ही नहीं पाएगा, जबकि पानी के कारण इसका टोकन कट गया है, उसका भी धान खरीदी नहीं हुआ है। पर आखिर क्या वजह है? फंड सारे रिलीज हो जाते हैं, उसके बाद भी इनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं, जो जरूरत की चीजें हैं वो तो किसानों को मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पाती हैं। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? फंड रिलीज होने के बाद भी किसान परेशान होते हैं हर बार। शासन और प्रशासन इसमें कड़ाई नहीं कर रही है, सीधा सीधा बात है। शासन ध्यान नहीं रख, बोल कुछ रही है, शासन कर नहीं रही है। किसानों की खेती बंद जरूर रही है, किसान के उपेक्षा कर रहे हैं शुरू से। अब लाखों क्विंटल जो धान खराब हो चुका है, अब उसका हर्जाना कौन भरेगा? आखिरकार किसान ही परेशान होगा ना। किसान परेशान, आम जनता परेशान हो गया, महंगाई बढ़ी थी। किस तरह से आप आवाज उठाएंगे, क्या करेंगे किसानों के लिए जो उनके हक का उन्हें मिल पाए और वो परेशान ना हो? जी जी, हम केवल आंदोलन कर सकते हैं, प्रतिपक्ष में हम तो जनता की आवाज, किसानों की आवाज उठा ही रहे हैं। हमारी पार्टी तरफ से भी एक कार्यक्रम बन रहा है और इसको घेराव करेंगे और इसका बढ़ाया जा करके, समय बढ़ाया जा करके सबके धान खरीद होना चाहिए। किसान है धान बेचने के लिए, धान नहीं ले पा रहे हैं तो शासन प्रशासन की गलती है, किसान की गलती नहीं है इसमें।
चलिए उम्मीद करते हैं आप आवाज उठाएंगे और किसानों को जरूरत की चीजें हैं वो मिल पाएंगी। जी 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 बिल्कुल आवाज उठाएंगे। बहुत शुक्रिया पाठक जी जुड़ने के लिए।